जय माता दी। दोस्तों मैं नुपुर गुप्ता रियल्टर्स की साइट से आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3 BHK का लग्जरी फ्लैट, वो भी बहुत ही वेल मेंटेन सोसाइटी में, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज मिलने वाली है। बहुत ही अमेजिंग सोसाइटी है, पाम ग्रीन सोसाइटी है, सेक्टर 11 द्वारका की, और यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएगा सेक्टर 11 का। नियर बाय में आपको सेक्टर 4, 5, 6, 11 और 12 की मार्केट मिल जाएगी, गुरुद्वारा नियर बाय मिल जाएगा, मेन रोड की फेसिंग का फ्लैट आपको मिल जाएगा, पार्क आपको सोसाइटी में मिल जाएगा, बहुत ही वेल मेंटेन सोसाइटी है। तो चलते हैं फ्लैट देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये आ जाता है हमारा कॉरिडोर एरिया, बहुत ही वेंटिलेटेड है। एंड अब हम देखने जाने वाले हैं 3 BHK का फ्लैट, तो चलते हैं हमारे फ्लैट की साइड। तो ये रहती है हमारे फ्लैट की एंट्री, और एंट्री करते ही राइट साइड पे आ जाता है आपका टॉयलेट, जिसमें आपको सारी सैनिटरीज मिलेगी, वॉट बॉर्डिंग, वॉश बेसिन, फ्लोरिंग, टाइलिंग, सब कुछ अवेलेबल है। लग्जरी वर्क के साथ में आपको ये पूरा फ्लैट मिल रहा है। एंड ये आ जाता है हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और फ्लोरिंग का वर्क आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी विंडो दी गई है, यहाँ से आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। ग्रीन व्यू आपको देखने को मिल रहा है, पार्क का व्यू आपको देखने को मिल रहा है, नीचे ग्रीन पैच देखने को मिल रहा है, और कार की पार्किंग भी आपको यहाँ से दिख जाती है। एंड बात करें यहाँ के काम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको मेमोरीज के लिए शोकेस दिया गया है, और सामने ही आपका आ जाता है टीवी पैनल, और ऊपर आप फॉल सीलिंग का काम देख सकते हैं। डिसेंट फॉल सीलिंग का काम आपको मिल जाता है विद LED लाइट्स। AC का प्रोविजन आपको यहाँ पे AC फिट करा के दिया गया है, फैन आपको यहाँ पे फिट करा के दिया गया है। एंड अब हम यहीं से चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया के साइड पे। तो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहीं पे आपको वेंटिलेशन के लिए इधर भी बहुत ही बड़ी सी विंडो दी जा रही है, तो यहाँ से भी एक बार आप व्यू देख सकते हो। एंड अब हम चलते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन की साइड पे। यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है क्रॉकरी रखने के लिए, और ये आपको बहुत सारे ड्रॉर्स मिल जाते हैं। एंड ये आ जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस रहता है, और आप स्पेस देख सकते हैं किचन का, बहुत ही अमेजिंग सा बिग साइज में आपको किचन का स्पेस मिलता है। वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बड़ी सी विंडो मिलती है, रूफ तक हमने आपको कबर्ड्स दिए हैं, और यहाँ पे आपको आपकी क्रॉकरी रखने के लिए भी एक स्पेस दिया है। एंड ड्राई और वेट एरिया आपका अलग रहता है, चिमनी आपको दी जा रही है, हॉब आपको मिलता है, पेंट्री एरिया अलग मिल जाता है, एंड माइक्रोवेव ओवन रखने के लिए अलग से स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप फॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल डिसेंट वर्क मिलता है आपको। और अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 की साइड पे। एंट्री करते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, और यहाँ से आप इसका स्पेस देख सकते हो। बेड होने के बाद भी कितना सारा मूविंग स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही आपको एक सिंगल प्लस डबल वार्डरोब यहाँ पे मिल जाती है। सामने आपका टीवी पैनल आ जाता है, AC फिट होके मिल रहा है, लाइट्स आपको मिल रही है, फैन आपको मिल रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पर मिल रही है। और बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वॉक इन क्लोजर भी मिल रहा है बहुत ही बड़ी वार्डरोब्स के साथ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्डरोब्स के लिए स्पेस, बहुत ही सारे ड्रॉर्स आपको यहाँ पे मिल रही है, डबल साइड के वार्डरोब्स मिल रही है, एंड अटैच वॉशरूम भी आ जाता है। अब चलते हैं हमारे वॉशरूम की साइड पे। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बिग साइज में आपको वॉशरूम मिल रहा है, विद सारी सैनिटरीज के साथ में, पूरी एथिक फिटिंग्स के साथ में, और शॉवर एरिया आपका अलग आ जाता है यहाँ पे, ड्राई और वेट एरिया आपका अलग हो जाता है। तो ये था हमारा बेडरूम नंबर 1 और अटैच वॉशरूम। ये आ जाती है हमारी बेल्कनी, जो कि हमने कवर्ड कर रखी है, और यहाँ पे आपको वार्डरोब्स बहुत सारे दी जा रही है, वॉशिंग एरिया भी आप इसको बना सकते हो, या अगर आप स्टडी रूम बनाना चाहते हो तो इसको वो भी बना सकते हो। एंड अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 की साइड पे। तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 2, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस हमारा बेडरूम नंबर 2 है। इस साइड पे आपको वार्डरोब मिल जाती है बिग साइज में, बहुत ही सारा मूविंग स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको मंदिर का स्पेस मिल जाता है, प्लस प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी जा रही है, AC फिट होके मिल रहे हो, फॉल सीलिंग का वर्क आप देख सकते हो, पूरा वुडन वर्क टाइल फ्लोरिंग के साथ में, साथ ही आ जाता है ये हमारा अटैच वॉशरूम,
जो कि हमारे बेडरूम नंबर 3 से इंटरकनेक्टेड है। ये है हमारा अटैच वॉशरूम जिसमें सारी सैनिटरीज आपको अवेलेबल है। एंड अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 की साइड पे। तो आप देख सकते हैं बेडरूम नंबर 3 का स्पेस, डबल बेड होने के बाद भी इतना सारा मूविंग स्पेस आपको मिल जाता है। बॉर्डर आपको यहाँ पर मिल जाती है डबल डोर की, स्लाइडर अलमीरा, साथ ही ये आ जाता है आपका टीवी पैनल, और इसी साइड पे आपको स्टडी टेबल मिल जाती है, प्लस वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेन रोड की आपको फेसिंग दिख रही है, सोसाइटी गेट भी दिख रहा है, मेन रोड फेसिंग भी दिख रही है, ग्रीन पैच भी दिख रहा है, सामने ही आ जाती है आपकी मार्केट। जैसे कि ये था हमारा 3BHK सेक्टर 11 द्वारका पाम ग्रीन सोसाइटी के अंदर। बहुत ही वेल मेंटेन सोसाइटी है, 24/7 गार्ड फैसिलिटी आपको मिल जाती है, फुल्ली पावर बैकअप मिल जाता है, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको यहाँ पर होने वाली है, और पूरी सीसीटीवी सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिलती है, पार्क आपको मिल जाता है, नियर बाय मार्केट, स्कूल, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, गुरुद्वारा नियर बाय मिल जाता है, सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। प्राइस है इसका 3 crore और प्राइस नेगोशिएबल है। और अगर आपको इसको बाय करना है या इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, गुप्ता रियल्टर्स पे आ सकते हो, इसको विजिट कर सकते हो, या फिर द्वारका किसी प्रोजेक्ट में या द्वारका एक्सप्रेसवे के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं मिलूंगी ऐसे ही लग्जरी फ्लैट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।